जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निखिल राखेचा के मार्गदर्शन में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा द्वारा थाना क्षेत्र में जनता से सीधे संवाद को लेकर रूबरू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। टीआई दुर्गेश शर्मा ने बताया कि रूबरू का उद्देश्य पुलिस व आम जनता के मध्य सीधा संवाद बनाकर उनके मन में पुलिस के प्रति बने भय व संकोच को दूर करना है। रूबरू को दूसरी कड़ी में संजय नगर सुपेला में सुपेला पुलिस द्वारा जनता से सीधा संपर्क कर उनकी शिकायतों को सुना गया। कुछ शिकायतों का त्वरित निराकरण भी किया गया। रूबरू कार्यक्रम को लेकर थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा से ग्रैंड एशिया न्यूज से खास चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने रूबरू के उद्देश्य को बताया। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा जी। सुपेला थाना पुलिस द्वारा अभी 3-4 दिनों पूर्व से एक अभियान की शुरुआत की गई है। तो थाना प्रभारी द्वारा सभी सुपेला थाना अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में जा करके लोगों को एक प्रकार से जागरूक किया जा रहा है पूरी अपनी पुलिस बल को लेकर। हालांकि कुछ समय का कार्यक्रम रहता है, लेकिन इस दौरान जो रूबरू कार्यक्रम उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में वार्ड के लोग उपस्थित होते हैं। तो किस तरह की पहल है, इसका क्या उद्देश्य है, आइए हम दुर्गेश शर्मा जी से ही चर्चा करते हैं। सर, ग्रैंड एशिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि रूबरू के नाम से ही विदित है कि रूबरू का मतलब होता है कि स्वच्छ संचार और लोगों से कम्युनिकेट होना, तो उसके तहत में सुपेला पुलिस के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय ध्रुव सर और हमारे जो CSP सर है निखिल राखेचा सर, इनके निर्देशन पे एक कार्यक्रम हमने दिनांक 18 तारीख से सुपेला क्षेत्र में शुरू किया है, जिसका नाम रूबरू है। रूबरू कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, मुख्य तौर पे जो निचले स्तर के लोग हैं, जो थाने आने से जनरली लोगों को संकोच रहता है, डरते हैं, खास करके जो स्लम एरिया के लोग हैं, एक अलग से भय रहता है। तो जब भी थाने में रिपोर्ट आती है, काफ़ी भीड़ लेके आते हैं वो लोग, उनको लगता है कि रिपोर्ट हमारी नहीं लिखी जाएगी या पुलिस पता नहीं क्या, उनको एक डर रहता है, तो ज़्यादा लोगों के साथ में आते हैं। तो रूबरू होने का मतलब वही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो समस्याएं हैं वहीं के वहीं जो छोटे मोटे शिकायतें हैं उसका निराकरण किया कर दे, और काफ़ी हद तक शिकायतें जो आई हैं उसका निराकरण हुई भी है। और दूसरा ये कि उनको ये पता ना कि जिन जिन मामलों में उनको थाना आना है और थाना आके रिपोर्ट करना है, तो कि भीड़ लेके आने की जरूरत नहीं, खुद शांत जो रिपोर्टर है वो स्वयं भी आए तो उसकी रिपोर्ट को अच्छे से सुन के लिखा जाएगा, कहाँ किसको रिपोर्ट बताना है, किसके पास आके उनको मिलना है, अगर कोई वेरिफिकेशन का काम है, पुलिस सर्विस का काम है तो किससे मिलना है, मुंशी जी कहाँ बैठते हैं, महिला अगर आती है रिपोर्ट करने तो कहाँ पर महिलाओं को जाना है, ये सारा उनको जानकारी दिया जा रहा है। इसके अलावा चूँकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाकर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो हमने वहाँ जाकर लोगों के साथ में हम जो लोगों की जनरली शिकायत होती है कि यहाँ अड्डेबाजी होती है, ऐसे जगहों पे जहाँ अंधेरा होता है वहाँ शराबबाजी होती है, कोई लोग नशे करते हैं और कुछ चाकूबाजी होती है, तो उन जगहों को हमने चिन्हांकित करके उनके साथ ही जाके हमने जगहों को विज़िट किया है। विज़िट करने के बाद फिर जहाँ जहाँ पर हमें कैमरे के CCTV के रिक्वायरमेंट्स दिखे हैं, वहाँ पर हमने जन सहयोग से लोगों को जागरूक किया है कि वहाँ पर कैमरे लगे हैं। मेरे हिसाब से अभी दो जगह कार्यक्रम हमने किया, एक तो घोषा नगर पे और दूसरा हमने कल जो किया था संजय नगर पे। इन दोनों जगहों पे हमने करीब 8.8 चौक ऐसे चुने हैं जहाँ पर कैमरे लगाए जाने हैं और लोगों का उसमें पूरी तरीके से समर्थन है, लोग सहयोग कर रहे हैं घर पे। और दूसरा हमने कल जो किया था संजय नगर पे। इन दोनों जगहों पे हमने करीब 8.8 चौक ऐसे चुने हैं जहाँ पर कैमरे लगाए जाने हैं और लोगों का उसमें पूरी तरीके से समर्थन है, लोग सहयोग कर रहे हैं। बहुत जल्दी मेरे को लगता है 1 सप्ताह के अंदर पे इन जगहों पे हम कैमरा लगाने पे सफल हो जाएंगे। क्योंकि सर आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो साधारण जनमानस है वो थाने में पता से किसी भी घटना अथवा दुर्घटना की सूचना देने में थोड़ा सा घबराहट उनके मन में रहती है, क्योंकि पुलिस द्वारा हमसे किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। तो सर ये जो रूबरू कार्यक्रम है, इसमें लोग क्षेत्र के लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर देखा भी जाता है कई जगह जैसे अवैध गतिविधियां संचालित रहती तो लोग उसकी शिकायत पुलिस तक पहुंचाने में थोड़ा संकोच करते हैं। इस कार्यक्रम की अच्छी बात, अच्छा पहलू यही रहा है कि ये जो आप बोल रहे हैं ये तो एक आम सोच है कि इस तरीके से पुलिस के बारे में, पुलिस के सामने कैसे बताएं या पुलिस से कोई कमियां हो रही कैसे बताएं, बट रूबरू कार्यक्रम में हमको ये देखने को मिला है काफ़ी हद तक मतलब लोग जो है खुल के बात कर रहे हैं और जो समस्या है जो पुलिस को सुधार करना चाहिए या जिन पॉइंट्स पे पुलिस काम नहीं कर पा रही उन पॉइंट्स को सीधा सीधा सबके सामने पब्लिकली उन्होंने बोला है और हमने उनको नोट भी किया है और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जितना जितना अच्छा से अच्छा प्रयास किया जा सके प्रयास करेंगे।
जो पब्लिक के पुलिस के व्यवहार की बात है, तो ये तो मैं इस बारे में तो यही कहूँगा कि एक सिर्फ एक गलत फहमी और मृग मरीज का बोलते हैं ना एक सोच वो है ये। अदरवाइज़ पुलिस का थानों पे जो पब्लिक से व्यवहार होता है ऐसा नहीं होता जैसा एकदम लोग मानसिकता बना के रखे हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो गलत फहमियाँ हैं, ये रूबरू कार्यक्रम के द्वारा दूर भी हो रही हैं। लोगों को समझ आ रहा है कि पुलिस का व्यवहार जैसा वो सोच रहे हैं उस तरीके का नहीं है, और अब मेरे को लगता है कि इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि सर लगातार आप सुबेला थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं पिछले दो दिनों से, तो किस तरह की ज़्यादातर समस्याएं देखने को भी सामने आ रही हैं सर? लोगों की जो मूल समस्याएं समझ आती हैं वो अड्डेबाजी को लेकर है कि जो अभी कुल मिला के छोटे लड़के जो होते हैं टीनेजर्स हैं 15 से 25 साल के बीच के जो लड़के हैं, ये लोग किसी भी चौक में अपना एक अड्डा बना लेते हैं, उस चौक में फिर गाली गलौज करना, नशाबाजी करने वाले जो लोग होते हैं नशेबाजी करते हैं, जिसे महिलाएं जो हैं ज़्यादातर परेशान होती हैं, छोटे बच्चों जो न्यू जनरेशन आ रहे हैं जो बच्चे हैं उन पर भी गलत मैसेज जाता है। इसको लेके हमको दोनों जगह पे शिकायत सुनने को मिली है, और इन शिकायतों के निराकरण के लिए हम वहाँ के लोगों से ही, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि साथ में थे और वहाँ के जो लोग थे, उन्हें से आइडियाज़ दिए कि किस तरीके से इसका परमानेंटली सॉल्यूशन किया जा सके। तो उसमें बहुत सारे उनके उपाय आए हैं, जिसमें से एक उपाय कैमरा लगाना भी है। कैमरा लग जाएगा तो लोगों को एक भय होता है कि तीसरी नज़र के दायरे पर रहेंगे। दूसरा ये कि जो पेट्रोलिंग के को ज़्यादा सटीक करने के लिए हमने पूरे एरिया को सेक्टर पे बांटा, अपना नशाबाजी करने वाले जो लोग होते हैं नशेबाजी करते हैं, जिसे महिलाएं जो हैं ज़्यादातर परेशान होती हैं, छोटे बच्चों जो न्यू जनरेशन आ रहे हैं जो बच्चे हैं उन पे भी गलत मैसेज जाता है। इसको लेके हमको दोनों जगह पे शिकायत सुनने को मिली है, और इन शिकायतों के निराकरण के लिए हम वहाँ के लोगों से ही, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि साथ में थे और वहाँ के जो लोग थे, उन्हें से आइडियाज़ दिए कि किस तरीके से इसका परमानेंटली सॉल्यूशन किया जा सके। तो उसमें बहुत सारे उनके उपाय आए हैं, जिसमें से एक उपाय कैमरा लगाना भी है। कैमरा लग जाएगा तो लोगों को एक भय होता है कि तीसरी नज़र के दायरे पे रहेंगे। दूसरा ये कि जो पेट्रोलिंग के को ज़्यादा सटीक करने के लिए हमने पूरे एरिया को सेक्टर पे बांटा है, जो सेक्टर पे बीट के हिसाब से बांट दिया है। बीट के लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और बीट के लोग जो हैं वो परस्पर जो जनता वहाँ की है वहाँ से रूबरू रहेंगे। उनके नंबर वगैरह भी हम वॉल पेंट कराने वाले हैं, उस जहाँ जहाँ जो जो जिस जिस क्षेत्र में जो बात हो रही है अड्डेबाजी की, वहाँ वॉल पेपर करवाएंगे, तो ताकि लोग पुलिस से अच्छे से संपर्क कर सकें। सर इस कार्यक्रम रूबरू कार्यक्रम को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का किस तरह से सहयोग और समर्थन मिल रहा है? अब तक जो रूबरू कार्यक्रम का जनप्रतिनिधियों का की जो बात कर रहे हैं अपन, काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। हर तरह के जनप्रतिनिधि जो किसी भी पार्टी के हों, कोई भी हों, उस मोहल्ले के हैं, तो वो सारे लोग उपस्थित हो रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव उनका रोल रहा है, सभी ने सराहा है और कुल मिला के हमको पूरा समर्थन मिल रहा है उनका। ये थे हमारे साथ सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा जी, जिन्होंने अपने सुपेला थाना द्वारा जो शुरुआत की गई रूबरू कार्यक्रम की, उसकी तमाम विस्तार से हमें जानकारी दी। और चूँकि ये इस कार्यक्रम से शुरू होने से लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिल रहा है, लोग पुलिस के सामने उपस्थित होकर, पुलिस के सामने कई शहर के सामने उपस्थित होकर अपनी समस्याएं स्वयं बखान कर रहे हैं। ये चीज़ कल हमारे द्वारा बनाई गई एक खबर में भी स्पष्ट रूप से नज़र आता है, चाहे महिलाएं हो अथवा पुरुष, सभी निसंकोच पुलिस के सामने अपनी बातों अपनी समस्याओं, और जो प्लस इसके साथ ये भी देखा जा रहा है जो कई स्थानों में जैसे असामाजिक गतिविधियाँ संचालित है, अवैध जो सट्टा खिला रहे हैं, शराब का जो सेवन करवा रहे हैं खुले, उस पर भी नियंत्रण करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इसके पूर्व भी देखा गया कि सुपेला थाना क्षेत्र से असामाजिक गतिविधियों को समाप्त करने सुपेला थाना प्रभारी के नेतृत्व में तमाम स्टाफ द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है। इसकी वजह से काफ़ी हद तक इस क्षेत्र में जो असामाजिक गतिविधियां वो समाप्त हो चुकी है। अब जनता को भी इस चीज़ का लाभ लेना चाहिए, खुल करके पुलिस के सामने अपनी समस्याओं को, शिकायतों को रखना चाहिए, और पुलिस के सामने जो एक प्रकार से देखी जाती दिक्कत लोग सामने आने में संकोच करते, तो उस संकोच को भी दूर करने का पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो लोगों से ग्रैंड एशिया न्यूज यही अपील करता है कि आप भी आए पुलिस के समक्ष अपनी शिकायतें रखें, निश्चित रूप से उसका समाधान पुलिस द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।